हेलो एवरीवन वेलकम टू चहल चहल एकेडमी दिस इज अनुभव दीपानी फैकल्टी एट जैसा कि आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने यूपीएससी के कट ऑफ सरप्राइजेस उसकी लर्निंग्स और उसके एनालिसिस के बारे में बात की थी उस वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अब आने वाले वीडियोज में यूपीएससी प्रलिम्स जो टू ऑफ अक्टूबर वन को हुआ था उसमें सब्जेक्ट वाइज जितने भी

Soil तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर क्या होना चाहिए एंड दैट इज गोना बी जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट मीन्स हम लोग ऑप्शन नंबर फोर और फाइव के साथ जाएंगे यानी जो सीजनल रेनफॉल है और जो सॉइल प्रॉपर्टीज हैं इसका सही आंसर होगा बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था कि यहाँ पर जो फायर है वो भी एक ऑप्शन हो सकता है किसी भी चीज को यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो छोटे ट्री हैं या फिर सवाना वेजिटेशन है तो वहां पर किस तरीके के डिस्ट्रॉयर वाली चीजें हो सकती हैं लेकिन जो फायर है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि नेचुरल होती है वो मैन मेड फायर भी हो सकती है इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा फोर और फाइव

एरिया जो है सवाना का जो एरिया जहां पर हम लोग को पेड़ नहीं दिखते हैं उसे हम लोग बुश वेल्ड एरिया भी

मिलती है राइट right? ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है इसके अलावा जो रेनी सीजन है वो तो है ही कि यहां पर टोरेंशियल डाउनपोरस ऑफ हैवी रेन कॉज लीचिंग ऑफ नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स एंड आल्सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं विथ रिफरेंस टू द वॉटर ऑन द प्लांट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब यहां पर यह पूछा गया है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जो पानी है जो क्वांटिटी है वो अवेलेबल होती है ठीक है नंबर इज द अमाउंट ऑफ वॉटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इसमें यह पहला स्टेटमेंट है कि जो नदियों में जो पानी है या फिर झीलों में जो पानी है वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा है पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है और दूसरा द अमाउंट ऑफ वॉटर इन पोलर आइस कैप्स पोलर रीजन में जो आइस कैप्स में पानी होता है या फिर ग्लेशियर का जो बेसिकली पानी होता है जो वो पिघल कर नदियों में आता है उसका जो अमाउंट है वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा होता है तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है तो यहां पर जो आपको ओनली बी दिख रहा है आई एम रियली सॉरी फॉर दिस जो आपको यहां पर ओनली बी दिख रहा है दैट मीन्स जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका वो यहां पर सही माना जाएगा दैट मीन्स पोलर पोलर आइस कैप्स या फिर जो ग्लेशियर्स हैं उनमें जो पानी आपको देखने को मिलेगा वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है फ्रेश वाटर टू पॉइंट अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करें ओशन का नाइंटी है यहां पर आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर जो पानी है ग्राउंड वाटर जो है दैट इज अराउंड थर्टी परसेंट लेकिन ग्लेशियर और आइस कैप्स में अगर आप देखते हैं तो वो सिक्सटी एट के आसपास पहुंच जाता है राइट right? तो यहाँ पर इस यह डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि वो जो आंसर है इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिया हुआ है नेक्स्ट आते हैं द द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन ड्यू टू वेदरिंग ऑफ ये हमें बहुत अच्छे से पता है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है वन ऑफ द बेसिक फिजिकल जोग्रफी में आता है फिशर वोल्कैनिक रॉक जो होती है उसी की वजह से बेसिकली यहाँ पर जो कॉटन सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे हम लोग कहते हैं रेगुर सॉइल भी कहते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल को वो बनती है फिशर वोल्कैनिक रॉक हम सभी लोगों को पता है बेसिकली अगर कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट आपस में टकरा रही हैं तो सीधी सी बात है जो ओशनिक प्लेट है वो बेसाल्ट की बनी है कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ग्रेनाइट की बनी है और जो ओशनिक प्लेट है बेसाल्ट की होने की वजह से ज्यादा डेंसिटी वाली है सो so, जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो जो औशनिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है एंड देन फिर इस पर जो प्रेशर पड़ता है इस पर जो टेम्परेचर बढ़ता है इसका उसकी वजह से इसके जो मिनरल्स हैं जो रॉक्स हैं ये पूरी की पूरी की जो प्लेट है वो पिघल जाती है और फिर जो लावा है वो बाहर आता है तो अगर वो जो लावा है उसकी विस्कसिटी अगर थोड़ी सी कम होती है तो विस्कसिटी कम होती है इन द सेंस वो जो लावा है वो उतना ज्यादा गाढ़ा नहीं है तो फैलेगा ज्यादा तो बेसिकली क्या होगा कि ये बेसिकली एक तरीके से बेसिक लावा बनाएगा और वोल्केनिक प्लेटू बनाएगा उसे हम लोग फिशर इरप्शन कहते हैं तो जब लावा प्लेटू बना देता है तो सीधी सी बात है कि वो जला हुआ है तो कार्बन तो जलेगा तो वहां पर ब्लैक कलर का ही पूरा का पूरा फॉर्मेशन होगा उसका जब इरोजन होगा फ्लोइंग वाटर से प्रेसिपिटेशन से इोलियन इरोजन से जिसे बेसिकली विंड इरोजन कहते हैं तो ब्लैक सॉइल जो है फिजर वोल्केनिक रॉक से ही बनेगी ठीक है इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया वो यही आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा इंडिया में अगर आप इसका देखना चाहें तो डेकेंड ट्रैप जो है इसका बेसिकली एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल है वेस्टर्न मध्य प्रदेश जिसे हम लोग मालवा कहते हैं गुजरात या महाराष्ट्र जहां पर बेसिकली पूरी की पूरी आपको ब्लैक सॉइल मिलती है तो वो, वो वोल्केनिक प्लेटू के इरोजन से ही बनती है वी हैव ऑल स्टडीड दिस इन बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड बताया वो यही है अगर आप चाहें तो वीडियो द इंडस डायरेक्ट अमंगस डायरेक्ट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन uh, है काफी इजी क्वेश्चन था एनसीआर टी का सिंपल सी बात पूछी जा रही है मानसरोवर uh, जो लेक है तिब्बत में वहां से इंडस रिवर या सिंधु नदी निकलती है इंडिया से होते हुए जाती है लद्दाख और जास्कर के बीच से फ्लो करती है एंड देन फिर सेंट्रल पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है तो इंडस रिवर या सिंधु नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ऑप्शन में दी है वही चारों की चारों ट्रिब्यूटरी है चेनाब झेलम रवि और सतलज तो इसमें से ये पूछा है कि ये चारों में से कौन सी तीन नदियां हैं जो किसी एक नदी से जाकर मिलती हैं एंड देन फिर वो जो एक नदी है फिर वो इंडस से जाकर मिलती है जो ऑटोमेटिकली उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी बन जाएगी सो एज वी ऑल नो दैट जो चेनाब है ठीक ये वाला जो चेनाब है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की झेलम रवि और सतलज ये तीनों जो नदियां हैं वो चेनाब से जाकर मिलती हैं चेनाब जो रिवर है उसे हम लोग चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जो चेनाब रिवर है दो अलग अलग ट्रिब्यूटरी चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है सो so, चेनाब इज बेसिकली द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखें और बाकी की जो तीन नदियां जो चेनाब है उससे मिलती है, चेनाब जाके इंडस, से मिलती है. See, ये आपकी इंडस रिवर है अगर यहाँ पे मार्क कर ले हम लोग ये देखिए ये रही आपकी इंडस रिवर ये जा रही है राइट right? और ये जो चेनाब है इफ यू कैन सी चेनाब हियर ये चेनाब जाकर डायरेक्टली यहां इंडस से मिल रही है अब बाकी जो रिवर है लाइक झेलम दिस दिस रवि एंड सतलज ये चेनाब से मिल रही है और चेनाब जाके इस पॉइंट पे सेंट्रल पाकिस्तान में किससे मिल रही है इंडस से मिल रही है ठीक है तो मैप से ऑब्वियसली समझ सकते हैं, हम लोग ये सही है ठीक चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग विथ रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना कचमान सरगोल एंड खातू इनमें से क्या है मतलब चार नाम आपको सर तीन चार नाम आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर ग्लेशियर है कि मैंग्रूव है कि रामसर साइट्स हैं या फिर सलाइन लेक्स है बस इतना इसमें बताना था तो ये सलाइन लेक्स हैं लोकेशन अगर आपको पता होगी या फिर आपने कहीं नाम सुना होगा इसका तो आपको पता होगा अदरवाइज काइंड ऑफ एक फैक्चुअल क्वेश्चन ही है

कुचमान, दिदवाना खातू फालदोई ये राजस्थान में है और खारगोदा इन गुजरात में तो बेसिकली ये लोकेशन वाला था तो ये सारी की सारी जो लेक्स हैं ऑब्वियसली सोल्ट लेक्स हैं तो ये आ, डेजर्ट रीजन में आती हैं सो इट जस्ट अ सिंपल आई आई से इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन था जिसको आता है आता है नहीं आता उसके लिए बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि इसमें लॉजिक लगाना भी काइंड ऑफ इंपॉसिबली दिख रहा था चलिए अब हम लोग से ये पूछा गया कि इन रिवर्स के बारे में बताइए चार रिवर्स हमारे सामने हैं एक है ब्रह्मा एक है नागवली सुवर्ण रेखा और वंशधारा इसमें से ये पूछा गया कि जो ईस्टर्न घाट है वहां से कौन-कौन सी रिवर बहती है ईस्टर्न घाट हम सभी को पता है जो छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है तो जो उड़ीसा की साइड जाती है बे ऑफ बंगाल में तो महानदी रिवर के साउथ से शुरू होता है ईस्टर्न घाट और तमिलनाडु में जो वेगई रिवर है वहां तक पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट फैला हुआ है करीबन करीबन 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है तो इसमें जो सही आंसर है कि ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी नदी निकलती है वो नागवली है और वो वंशधारा है ठीक है अगर मान लीजिए आप लोगों ने नाम नहीं भी सुना है इन नदी का तो ये तीसरे नंबर की रिवर है सुबर्ण रेखा इसका नाम तो हम सभी लोगों ने सुना है हम सभी लोगों को पता है कि जो झारखंड में छोटा नागपुर का प्लेटू है वहां से ये सुबर्ण रेखा नदी निकलती है एंड देन वो झारखंड का जो छोटा नागपुर का प्लेटू है वो ईस्टर्न घाट में नहीं आता है तो अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हटा भी देते हैं तब भी थर्ड और जो सी और डी है वो कैंसिल हो जाता है और ए और बी आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर रह जाते हैं ठीक है तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सुवर्ण रेखा रिवर जिसे हम लोग स्वर्ण रेखा रिवर के भी नाम से जानते हैं वेस्ट बंगाल उड़ीसा से होते हुए बहती है झारखंड से होते हुए बहती है ठीक है रांची के पास छोटा नागपुर प्लेटू में ये ओरिजिनेट होती है टोटल लेंथ आप देख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज आप इसकी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके इफ यू वॉन्ट टू राइट ये आप देख सकते हैं यहां पर आपको मैप दिया गया है ये रहा आपका रांची यहां से ये जो सुवर्ण रेखा रिवर है एज यू कुड सी ये यहां से निकल रही है ठीक नेक्स्ट रिवर की तरफ हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट वंशधारा इसे हम लोग वंशधारा रिवर के नाम से भी जानते हैं ये गोदावरी और ऋषिकुलिया नाम की दो नदियां हैं ठीक है उसके बीच में बहती है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए जाती है उड़ीसा में जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये वाली नदी जो है वंशधारा ओरिजिनेट होती है सीधी सी बात है अगर उड़ीसा में है तो फिर ईस्टर्न घाट का यह पार्ट होगी एंड एट दी एंड ऑफ द डे ये, ये आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है यू कैन सी द मैप हियर उड़ीसा से होते हैं ऑफ बंगाल में गिर रही है यहाँ पर नेक्स्ट नागवली या फिर लंगुलिया नदी देख सकते हैं सदन उड़ीसा और नदन आंध्र प्रदेश के साइड की ये रिवर है ठीक है प्लस जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उसको भी टच करती है अगेन ये भी बे ऑफ बंगाल से ही जाती है लेकिन एग्जैक्टली exactly यहां पर जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि ईस्टर्न घाट से कौन सी नदी निकलती है ओके okay? आप वीडियो पॉज करके ये वाली जो स्लाइड है इसकी डिटेलिंग आप पढ़ सकते हैं वैसे तो जीएस में ये अवेलेबल है बट ठीक है जब क्वेश्चन में आया है तो हम लोग इसको पूरी तरीके से यहां पर आपको बता रहे हैं ओके अगेन यू कैन सी द मैप हियर नो इश्यूज विद एनीथिंग नागावली रिवर बेसिन का पूरा का पूरा मैप यू कैन सी हेयर आप अगर इंडिया के मैप में अगर देखना चाहते हैं सो यू कैन सी दैट मैप और अगर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जहां पे वो पर्टिकुलर रीजन है यहां पर हमने हाईलाइट किया हुआ है चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वॉटर एफिशियंट क्रॉप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था लोगों को वो वॉटर एफिशियंट क्रॉप उन्होंने देखा और वो बस ये समझने लगे कि हाँ भाई चलो वाटर एफिशिएंट का तो मतलब ये होता है जो कम पानी में एग्रीकल्चर जिसका हो जाता है मिनिमम इरिगेशन उसका चाहिए तो बहुत सारे लोगों ने बेसिकली पर मिलेट यानी कि जो बाजरा है उसको सही करके आ गया यहां पर लीस्ट वाटर एफिशिएंट कहा गया लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब है जो ज्यादा पानी ले रहा है वाटर एफिशिएंट क्या होता है वाटर मतलब पानी एफिशिएंट मतलब तो में उग जाती है तो जो वो लीस्ट वाटर एफिशियंट हो जाता है तो अगर आप यहां पर देखें तो शुगर केन जो है वो यहां पर सही आंसर होना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि जो मिलेट्स हैं उनको बेसिकली कम पानी लगता है तो वो वाटर एफिशिएंट है ठीक और जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है वो लीस्ट वाटर एफिशियंट होते हैं तो अगर आप वाटर इंटेंसिव या वाटर देखें तो राइस सोयाबीन वीट शुगर केन कॉटन और अल्फा एल्फा इसमें आते हैं क्योंकि शुगर केन जो है बाजरा से काफी ज्यादा पानी लेता है इरिगेशन के लिए ठीक चलिए ये अगेन एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है यहां पर हम लोग अपना अपने हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या सही होना चाहिए आई थिंक दिस इज द राइट आंसर बट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2020 तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे जहां पे चार या पांच क्वेश्चंस के uh, डिफरेंसेस के डाउट्स होते थे एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी फिर उसको क्लियर करती थी लेकिन इस बार का जो पेपर हुआ उसमें करीबन 15-16 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें डाउट्स बहुत ज्यादा है उन 15-16 क्वेश्चंस में से ये भी एक डाउट है तो फिलहाल कई जगह इसको स्टार मार्क करके आंसर शीट में शो किया जा रहा है बट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस देखिए बेसिक ज्योग्रफी तो इसमें काम आती है लेकिन थोड़ा बहुत आपको ना बेसिक कंसेप्ट भी इसमें यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको कल की लर्निंग में बताया था पिछले वीडियो में गो बैक टू द बेसिक्स सी यहां पर स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है आप सिर्फ स्टेटमेंट को फॉलो करिए और अपना बेसिक जो विंड का आपका जो नॉलेज है ठीक है ना और विंड्स, उसको यूज करने की कोशिश करिए इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इंफ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड सिंपल से सवाल है इसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रेड विंड की वजह से जो किसी भी ओशन का जो वेस्टर्न सेक्शन होता है वो ईस्टर्न सेक्शन के कंपैरिजन में गर्म होता है हम सभी लोगों ने ईस्टर्ली विंड के बारे में पढ़ा है सी दिस इज इक्वेटर हियर ठीक है ना यहां पर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना देते हैं सर हम लोग यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बना देते हैं ईस्टर्ली विंड चलती है ईस्ट टू वेस्ट चलती है सर सो नदन हेमोस्फेयर में ये ईस्ट टू वेस्ट इस तरफ से चलेंगी ठीक है सर फेयर एनफ ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है अगर आप नदन हेमिसफेयर में देखें तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है और अगर आप सदर्न हेमिसफेयर में देखेंगे तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है मतलब जो ट्रेड विंड है वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है ना सर यहाँ पे क्योंकि ईस्टर्नली का, का काम चल रहा है ना तो ये जो यहाँ पर मान लीजिए दिस इज ओशन हियर तो यहां का जो पानी है गर्म पानी वो इस साइड पे वो लेके आ रही हैं तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो वेस्टर्न साइड होगा ट्रेड विंड्स की वजह से वो ज्यादा गर्म

ओशन के ईस्टर्न पार्ट को गर्म कर देती हैं इन कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न पार्ट के तो अगेन यहां पर हम लोग देख लेते हैं सी ये आपका 30 डिग्री हो गया ये आपका सर 60 डिग्री हो गया यहां पर आप इक्वेटर ले लीजिए अगेन यहां पर आप 30 डिग्री ले लीजिए अगेन यहां पर आप 60 डिग्री ले लीजिए तो ये आपका टेम्परेट जोन है दिस जोन एंड दिस जोन इज योर टेम्परेट जोन तो यहां पर वेस्टर्न ही चल रही है यानी वेस्ट से कहा जा रही है ये ईस्ट की तरफ जा रही है तो नदन हेमोस्फियर में ये साउथ वेस्ट से कहा जाएंगी जा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगी और यहां पर नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगी तो ईस्टर्ली में जैसे देखिए यहां पर जो विंड है वो ईस्ट से वेस्ट गर्म पानी लेके आ रही तो यहां पर कोई ओशन है तो जो ईस्टर्न पोर्शन है ओशन का ईस्टर्न पोर्शन तो सर ये हो गया ना तो ये हो गया ना ईस्टर्न पोर्शन कोई भी ओशन यहां पर है तो ईस्टर्न पोर्शन तो ये वाला हो गया ना तो जिस तरीके से ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड है वो ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न ओशन वाला जो सेक्शन है उसको गर्म कर रही थी एग्जैक्ट ऑपोजिट वे में हम लोग देखते हैं कि टेम्परेट जोन में जो वेस्टर्ली विंड है जो वेस्ट से ईस्ट जा रही है तो वो बेसिकली जो गर्म पानी है ओशन के वेस्ट से लेके आ रही है ईस्ट लेके आ रही है इसीलिए एंड यहां पर दोनों करेक्ट आंसर होने चाहिए लेकिन फिर भी अभी अभी भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं तो पंद्रह सोलह जो क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल हैं उसको फिलहाल इस कैटेगरी में रखा जा सकता है बट हम लोगों का यह मानना है कि वन एंड टू दोनों यहां पर सही आंसर हो सकते हैं राइट right? चलिए यहां पर इजी uh, सा क्वेश्चन है आप लोग अगर ऑप्शन से देखें वैसे तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है देन यू हैव टू टू गो द ऑप्शन लेकिन अगर आपको समझना है तो आप प्लीज यहां पर ऑप्शन uh, से देखते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनसीआर का जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है तो यहां पर आप देखिए लीफ लिटर डीकंपोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दर्फेस इज अफन ऑलमोस्ट बेयर यहां पर दूसरे बायोम के कंपेरिजन में ज्यादा जल्दी जो है डीकम्पोज हो रहे हैं पॉइंट नंबर वन अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीचअप इन टू द कैनपी तो यहाँ पर आपको दूसरे प्लांट्स तो मिलेंगे ट्रीज तो मिलेंगे लेकिन ये जो ट्रीज हैं, ये कैनपी तक पहुंच जाते हैं काफी ज्यादा ऊंचे भी आपको यहाँ पर दिखते हैं बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग as epiphytes रूटेड ऑन द अपर ब्रांच ऑफ द ट्रीज तो ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशन बेसिकली बायोम की बताई गई है इन फॉलोइंग में से कौन से बायोम की बताई गई है ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जा रही है अगर आप पूरे के पूरे को न भी देखें अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट भी ध्यान से पढ़ लेते हैं सबसे अच्छा डीकम्पोजिशन वाला तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे पहले दिमाग में आता है जो बहुत बेसिक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी से ये पूछा गया बायोम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वी ऑल नो दिस ठीक है थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर यहां पर हाई रहता है रेनफॉल भी यहाँ पर ज्यादा रहता है उस वजह से बेसिकली ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है तो रेन फॉरेस्ट तो है ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और गर्मी और बारिश और ह्यूमिडिटी सब यहां पर है इसलिए बहुत ज्यादा होता है रीजन से थोड़ा सा अगर अगेंस्ट जाके देखें थोड़ा सा हम लोग ऑपोजिट जाके देखें द ग्रोइंग सीजन हियर इज ऑल द ईयर अराउंड सीडिंग फ्लॉरिंग फ्रूटिंग एंड डिकेइंग मतलब अगर टेम्परेट जोन में देखते हैं तो पूरे के पूरे सीजन में ऐसा नहीं है कि फूल पत्ते पेड़ पौधे उग रहे हैं लेकिन ट्रॉपिकल जोन में ऐसा बिल्कुल होता है द इक्वेटोरियल वेजिटेशन अ मल्टीट्यूड एवरग्रीन ट्रीज दैट यील्ड ट्रॉपिकल हार्डवुड तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल हार्डवुड है कौन कौन सी बेसिकली यहाँ पर पेड़ आपको उगने को देखने को मिलते हैं महोगनी है एबनी है एंड डायवुड हैं इसके अलावा भी बहुत सारे हैं एंड नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो इंपॉर्टेंट इसमें देख सकते हैं द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मेक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एन आइडियल एनवायरमेंट फॉर बैक्टेरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये जो ह्यूमिडिटी है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है वो यहाँ पर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने देते हैं तो ऑब्वियसली बात है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पर सबसे सब ज्यादा पनप रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो डीकंपोजिशन की प्रोसेस है सबसे ज्यादा जो पत्तों के या फिर जो दूसरे पेड़ पौधे गिरे हुए हैं उनके जो सड़ने और गलने की सबसे ज्यादा तेजी से यहीं पर होनी चाहिए फेर इनफ और आप वीडियो पॉज करके अगर देखना चाहें तो आप फिर से इसको देख सकते हैं ठीक है सेम एक्सप्लेनेशन आपको एनसीआरटी की बुक्स में ही मिलेगा हम लोगों ने थोड़ा सा इसको और इजी वे में आपको दिखाने की कोशिश की है सो so, ये हमारे ज्योग्राफी uh, के एनालिसिस थे इसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से सही तरीके से क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की है उसको डिटेल में बताने की कोशिश की है एक एक चीज हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वी आर ट्राइंग टू बेसिकली एक्सप्लेन दैट ओनली सो अगर आपको इस तरीके के टॉपिक से रिलेटेड अगर बहुत सारे और वीडियोस चाहिए या फिर अगर आपको इसके और एनालिसिस देखने हैं या फिर डिटेल्ड सिलेबस पढ़ना है यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर ये था हमारा ज्योग्राफी का एनालिसिस वीडियो इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स के भी एनालिसिस वीडियो कंटिन्यूसली आपके पास आते रहेंगे थैंक यू वेरी मच आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू